हेलो ऑल माय डियर लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल टू अन एकेडमी। बेटा आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कुछ बच्चों का एग्जाम रीशेड्यूल हो गया है, तो उनके पास ऑलरेडी सिटी इंटीमेशन स्लिप आ गई थी, ठीक है। बट नाउ उनको एक मेल भेजा है एनटीए ने, और मेल में बताया है कि आपका जो एग्जाम है वो हो गया है रीशेड्यूल। और मेल में क्या भेजा है ये सारी बातें मैं आज आपको इस सेशन में बताने वाली हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों के पास मेल आया है, कुछ के पास नहीं आया है, तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके का मेल भेजा है और मेल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन एनटीए ने प्रोवाइड किए और किनका एग्जाम रीशेड्यूल हुआ है। तो बेटा जैसे कि आप सभी को पता है कि 25, 26, 27, 28 के जो एग्जाम्स होने वाले थे, कौन कौन सा डेट होगा बेटा, 25, 26, 27 और 28 को जिन बच्चों का सीयूटी का एग्जाम होने वाला था, ठीक है, उसकी ऑलरेडी सिटी इंटीमेशन स्लिप आ गई थी, ठीक है मैम आ गई थी। बट कुछ बच्चों के एडमिट कार्ड भी आ गए, कल क्या हुआ यहाँ पे एडमिट कार्ड भी रिलीज कर दिए, ठीक है मैम ये हमें पता है रिलीज कर दिए। बट क्या हुआ था बेटा, कुछ बच्चों का एग्जाम इन्हीं डेट में होना था बट उनका एग्जाम हो गया है पोस्टपोन, यानी कि रीशेड्यूल हो गया है। अब किस बच्चे का ये एग्जाम पोस्टपोन हुआ है और जिनका पोस्टपोन हो गया है वो कब होने वाला है, यहाँ पर मैं आज आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन इस सेशन में देने वाली हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं कि हमारा ही क्यों पोस्टपोन हुआ है, जब हमारी सिटी स्लिप आ गई थी तो हमारे एग्जाम पोस्टपोन होने का क्या मतलब है। तो यहाँ पे बेटा परेशान मत होना, मैं आज आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ और एनटीए ने जो मेल भेजा है उसका मतलब क्या है ये सारी बातें भी मैं आपको बताऊंगी और मेल भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जिन टॉपिक के बारे में बात करने वाले वो है कि क्या लिखा है मेल में, जो एनटीए ने मेल भेजा है उसमें क्या लिखा है, पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे। फिर कब होगा एग्जाम, अगर पोस्टपोन हो गया है कुछ बच्चों का तो फिर भाई उनका एग्जाम कब होगा, फिर एडमिट कार्ड, ठीक है, अगर पोस्टपोन हो गया तो उसका वापस जो एडमिट कार्ड आएगा वो कब आएगा, क्या सिटी इंटीमेशन स्लिप वापस आएगी। तो यस बेटा कुछ इस तरीके की बात हम आज के सेशन में करने वाले। पहले बात करते हैं मेल की, देखिए तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का मेल एनटीए ने बच्चों को भेजा है। ये मेरे स्टूडेंट था, उसका मेल है, उसका भी एग्जाम रीशेड्यूल हो गया था। देखो, रीशेड्यूलिंग ऑफ योर सीयूटी 2023 एग्जामिनेशन रिगार्डिंग, ठीक है, ये आपको सीयूटी की तरफ से एनटीए का मेल देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, डियर कैंडिडेट, योर सीयूटी यूजी 2023 एग्जामिनेशन विच वॉज अर्लियर शेड्यूल बिटवीन 25 और 28 के बीच में आपका शेड्यूल हुआ था, क्योंकि आपके पास सिटी इंटीमेशन स्लिप में ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड थी। Schedule to another date. अब another date भाई, किस कौन से date? Another date लिखा है यहाँ पे. Your new date for CUT UG 2023 will be notified as soon as decided according to the subject combination. तो आपकी subject combination के according यहाँ पे again CUT decide करेगा कि आपका exam कहाँ होगा और आपको वापस पहले सिटी इंटीमेशन स्लिप रिलीज की जाएगी, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा। तो अभी स्पेसिफिक कोई डेट नहीं है कि इस दिन आपका जो एग्जाम है इस दिन के लिए रीशेड्यूल हुआ है, ठीक है। योर सिटी इंटीमेशन स्लिप एंड एडमिट कार्ड विल बी इशूड शॉर्टली। अब शॉर्टली का तो मतलब है बेटा कि शॉर्टली अब यहाँ पे रिलीज किया जाएगा वापस। जैसे कि आप सभी को पता है कि सीयूटी के एग्जाम कब तक होने वाले हैं, 2 जून तक होने वाले हैं, ठीक है, 2 जून। अभी तक जो लेटेस्ट लास्ट डेट हमें पता चली वो है 2 जून। क्या ये एग्जाम आने वाले डेट्स को और शिफ्ट हो सकता है, तो बेटा ये भी कुछ कह नहीं सकते हैं। जिस हिसाब से रीशेड्यूलिंग और पोस्टपोनिंग चल रही है तो माइट भी ये जो एग्जाम है ये जून के फर्स्ट वीक तक चलने वाला है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, ठीक है मैम, ये तो था कि आपने बता दिया कि मेल में क्या लिखा हुआ है, मेल को आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। नाउ इन केस एनी कैंडिडेट फेसेस डिफिकल्टी इन डाउनलोडिंग, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे एनटीए को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर एनटीए ने ये बताया है। अब नेक्स्ट मैम फिर कब होगा एग्जाम, ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि वापस आपकी क्या होगा, सिटी इंटीमेशन स्लिप आएगी, उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा और अनदर डेट जो कि अभी डिसाइडेड नहीं है उसके बाद आपका एग्जाम होगा, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडमिट कार्ड भी उसी के अकॉर्डिंग रिलीज किया जाएगा। नाउ अब कुछ बच्चों की बात करते हैं जो कि बच्चे सोच रहे हैं कि मैम ये बता दो कि हमारा एग्जाम 28, 29 और 30 के लिए शेड्यूल था, 28 का तो आ गया, 29, 30 और 31 के लिए शेड्यूल था, ठीक है, तो हमारी सिटी इंटीमेशन स्लिप कब आएगी मैम, आज तो हो गई है 24 तारीख, ये कब आएगी मैम, तो बेटा आज रात को, टुडेज नाइट और टुमारोज नाइट यू विल बी गेटिंग योर सिटी इंटीमेशन स्लिप, सो डोंट वरी, आपका यहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाएगा कि आपकी सिटी इंटीमेशन क्लब कब आएगी, जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपके लिए वीडियो लेकर आ जाएंगे। अब बात करते हैं बेटा, अगर आप यहाँ पे आपका एग्जाम हो गया है रीशेड्यूल, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें, तो बेटा ये जो एग्जाम हो गया है सीयूटी का ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम हो गया है, ठीक है, तो किसी फेज में बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी फेज में आपको देखने को मिल रहे हैं कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप किसी भी बैच में एनरोल करना चाहते हो, ठीक है, अगर मैं आपको
अपने अकॉर्डिंग गाइड करूं, तो आपको थ्योरी तो आई थिंक आपके पास अभी इतना समय नहीं होगा कि आप स्टार्टिंग से थ्योरी करो, आप रिविजन क्लासेस कर सकते हो, ठीक है, आप क्वेश्चन बैंक कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी बेटा क्वेश्चन बैंक के लिए कि अगर आप LGT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, LGT आपका थोड़ा सा वीक हो रहा है, तो या फिर आप अर्जुना बैच में एनरोल कर सकते हो। ये बैच में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई होगी और आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग माय कोड, यू विल गेट इंस्टेंट 20% डिस्काउंट, क्योंकि यानी एकेडमी पे चल रहा है अभी 20% डिस्काउंट, और आप कोड यूज करोगे SG100। अगर आपका कोई क्या बोलते हैं डोमेन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे आप साइंस का डोमेन देख सकते हो। प्राक्रम बैच के अंदर आपको PYQs मिलने वाले हैं, मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। ब्रह्मास्त्र बैच जो है बेटा, ये सीरीज आपको थ्योरी बेस देखने को मिलेगी, अगर आप चाहते हो तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हो। अगर आपके कोई DO1s प्रैक्टिस कर रहे हैं या 12th क्लास में आ गए और प्रिपेयर करना चाह रहे हैं CUT के लिए, तो आप उनको रिकमेंड भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे सेशन, ग्रेट टाइम विद यू ऑल, सी यू एट आर, हमारी क्लास होने वाली है 3:30 बजे, ठीक है, ये स्पेशल पे क्लास होने वाली है। इस क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ 6 months का करेंट अफेयर। अगर आपने अपना 6 months का करेंट अफेयर रिवाइज करना है, तो आप इस क्लास में आ सकते हैं। स्पेशल क्लास है, यानी कि इट्स अ फ्री क्लास, यू कैन ज्वाइन दिस क्लास फ्रीली। और ये क्लास कहाँ मिलेगी, ये आपको अनअकैडमी के पोर्टल पे अगर आप मेरा नाम सर्च करोगे शीतल जांगी, तो आपको ये क्लास देखने को मिल जाएगी। और सो मच, अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में पिन करके बताना। यस मैम, इट्स वेरी यूजफुल। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर।